रविशंकर प्रसाद ने कहा वो पटना के गली के लड़के हैं, उन्होंने कहा कि वो गली के लड़के हैं, यहाँ के उन्हें सब कुछ पता है। देखिए हमने वहाँ पे बाकी बात तो अभी सदाकत आश्रम में करेंगे जी। मैं हमारे अध्यक्ष हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी भी साथ चल रहे हैं, वो वही है मुझको साथ लेकर आए हैं अभी वहाँ से, और हमारे जितने कांग्रेस और मेरे परिवार के मित्र जो हैं, और जब मैं कांग्रेस कह रहा हूँ तो सही मायनों में मेरे लिए सही दिशा है और बेहतर दिशा है। आप लोगों को पूरा कारण पता है, पूरी कहानी पता है, इसलिए अगर वो अपने आप को कहते हैं कि गली के लड़के हैं तो उनको उनको पूरा अधिकार है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो यही पैदा हुआ हूँ, यही पढ़ा हुआ हूँ, यही कॉलेज गया हूँ, यही स्कूल गया हूँ, और यहाँ से लेके चार टर्म हो चुके हैं, दो बार राज्यसभा में और दो बार लोकसभा में, और जितनी बार ये हुआ है वो मैं समझता हूँ कि जो भी यहाँ काम भी हुआ है और नाम भी हुआ है जी। आप देश में बहुत कम लोगों को जानते होंगे किस क्षेत्र से हैं, मगर आप पटना का जिक्र करें या शत्रुघ्न सिन्हा का जिक्र करें तो कह देंगे बिहारी बाबू हैं, बिहार के हैं, पटना के। सर नमस्कार, क्या कर रहे हैं? पहले चरण का मतदान हो चुका है, कितना आप उत्साहित हैं? पहले चरण का मतदान हो चुका है, हमें पहले चरण से, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं अभी पहले चरण में बात नहीं करूंगा, मैं उस चरण की बात करूंगा जिस चरण में हमें चुनाव लड़ना है। मैं समझता हूँ जुमलों का पोल कब खोलेंगे, जुमलों का खुलासा कब करेंगे सर? वही खोलने आया हूँ, जरा ठहरो सही। और जहाँ तक आपने मेरी बेटी का नाम लिया जी, कि वो प्रचार में आएंगी, क्या वो पिछली बार प्रचार में आई थी? नहीं आई थी। क्या उसके पिछली बार प्रचार में आई थी? नहीं आई थी। वो अपोलिटिकल हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ा स्टार पटना की जनता है। पिछली बार भी देखा होगा, सोनाक्षी सिन्हा तो हमारी बेटी हैं, मैंने ना राजनाथ सिंह को, ना सुषमा स्वराज को, ना अडवाणी जी को, ना अपने बड़े भाई स्टेटमैन यशवंत सिन्हा जी को, किसी को नहीं बुलाया था। और लोकल यूनिट बिहार के जो बीजेपी के थे, उनकी खिलाफत के बावजूद, उनकी बगावत के बावजूद रिकॉर्ड मार्जिन से जीता था। तो इसलिए इस बार भी हमें पूरा विश्वास है अपने लोगों पे, बिहार परिवार पे और पटना की जनता जनार्दन पे। हमारे वो तो बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं जी। आज मैं कांग्रेस में आया हूँ जिन कारणों से आया हूँ, किन कारणों से, आपको पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ भी आया हूँ, मैं गठबंधन का उम्मीदवार हूँ, और मैं लालू प्रसाद जी और उनके फैमिली, तेजस्वी जी और खासकर लालू प्रसाद जी का की सहमति और अनुमति से ही आया हूँ। तो सही माने में कांग्रेस जहाँ एक हमारा परिवार है, उसी तरह से लालू प्रसाद जी भी हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनका परिवार। सबसे बड़ी बात यह है जी, तो मैं अपने वचन की रक्षा करने के लिए, अपने वायदे को पूरा करने के लिए जी पुनः पटना में अपनी धरती अपने लोगों के बीच आ गया हूँ, और मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। जो आपने जिक्र किया है, जो व्यक्ति रविशंकर जी हैं, मेरी नजरों में अच्छे आदमी हैं, अच्छे परिवार से हैं, मैं उन्हें फैमिली फ्रेंड की तरह देखता हूँ, मैं रविशंकर प्रसाद जी की बड़ी कदर करता हूँ, मैं उनकी इस बात से सहमत भी हूँ कि ये लड़ाई जो है पटना में जो तथाकथित लड़ाई है, ये दरअसल विचारों की लड़ाई है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, अगर उन्हें मुझे छोड़ते हुए, मुझसे बगैर राय मशवरा सलाह किए हुए अगर उनके नाम की घोषणा की है, तो जिन लोगों ने घोषणा की है उनका सम्मान करता हूँ, और मैं रविशंकर प्रसाद का सम्मान करता हूँ, और इसलिए मैं उनके लिए अपनी शुभकामना, अपनी शुभेच्छा देता हूँ। बाकी फैसला जो है पटना की जनता को करना है, हमारे अपने बिहार परिवार को करना है। अब बिहार परिवार का आशीर्वाद
बिहारी बाबू पर कितना मिलता है या हमारे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो हमारे मित्र भी है रविशंकर प्रसाद जी को कितना मिलता है, इसका फैसला उन्होंने अपने आप को गली का लड़का बोला था सर। रविशंकर प्रसाद कैंप कर रहे हैं, एक महीने चुनौती है आपके लिए रविशंकर, कितनी बड़ी चुनौती है? मैं देखिए पटना के लोगों के आशीर्वाद से, बिहार परिवार के आशीर्वाद से पिछली बार भी पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट शेयर परसेंटेज रिकॉर्ड मार्जिन से जीता था जी। इसके पहले भी रिकॉर्ड कायम हुआ था। मैं समझता हूँ पटना के लोग, जैसे मैं उनको इतना प्यार करता हूँ, बिहारी बाबू के होने के नाते बिहार को प्यार करता हूँ, वो लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, शायद मुझ पर नाज करते हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार इस चुनाव में एक नया रिकॉर्ड कायम।